कांग्रेस से नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि किसी लोकल प्रत्याशी को इनको टिकट देना चाहिए। दिल की धड़कन है और वो हर चीज का पूरा समर्थन निस्वार्थ रूप से श्री नरेश ठाकुर जी का। हम लोकल जाके मिल गया है। नरेश भैया, हां मेरे लोकल क्या रहना है, नाम तो बता दीजिए, किसको लाना है? नरेश ठाकुर जी। प्रदेश के साथ राजनांदगांव में भी अब सियासी पारा टेम्परेचर जिसे कहते हो गर्म हो रहा है। एक दिग्गज कांग्रेस के नेता, उन्होंने अब फार्म भर दिया है, उनको अब उनका क्या, उनकी क्या तैयारी होगी और किस खेमे में जाएंगे? क्या कांग्रेस में अभी भी उम्मीद बंधी हुई है या फिर किसी दल में जाके अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी छाप जो पुरानी नसी हुई है, जब पहले महापौर भी रहे हैं, एक नाम है इनका, एक बड़ा शहर में, जिले में, प्रदेश में, अब उसे पूछे नरेश ठाकरे जी है, आइए उनसे चर्चा करें। बताए नरेश जी, क्या हमने सुना है कि आपने फार्म भर लिया है? आज फार्म लिया है, फार्म भरेंगे तो सब साथियों के साथ भरेंगे जाके। तो कोई नई पार्टी होगी? संभावना है कि आप पार्टी से लड़ेंगे। दिल्ली कब जा रहे हैं आप? सुनने में दिल्ली जाने वाले? नहीं, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, टिकट यही आ जाएगी। नहीं, अपना बैठे बैठे टिकट आएगा। आप पार्टी वाले का कई बार कांटेक्ट किए हैं मेरे से, मेरी भी बात हुई है और उनकी सहमति है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी भी आएंगे सभा लेने के लिए यहाँ पे, तो मैं संभावना यही है कि आप पार्टी से लड़ूंगा। तो ये कांग्रेस से नाराजगी क्यों? कांग्रेस से नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि किसी लोकल प्रत्याशी को इनको टिकट देना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को टिकट दे, हेमा देशमुख को दे देता, जीतू मुदियार को देता, किसी को भी देते। कुलवीर का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, 10 लोग हैं, कुलवीर से कोई मेरा पंगा नहीं है, किसी भी लोकल आदमी को दे देते। लेकिन आपने खरोगा जाके वहाँ से लेके आके और गिरीश भाई को टिकट दिया, ये राजनांदगांव की परंपरा ना बन जाए, इसलिए मेरा ये विरोध है। वो तो बोलते हैं मेरा ननिहाल है, मेरा मामा गांव है, मेरा बड़ा भाई यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर शिक्षा लिए है। नहीं, रिश्तेदारी का ये मतलब नहीं है। रमन सिंह के भी कोई रिश्तेदार नहीं थे यहाँ? तो यदि मेरा रिश्तेदार दिल्ली में रहता है या पंजाब में रहता है तो मैं पंजाब में आके चुनाव लड़ूं, ये कोई तथ्य नहीं है। मेरा यही विरोध है कि राजनांदगांव के किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट पार्टी को देना चाहिए था। आज राजनांदगांव के लोगों को कोई जरूरत हो, कोई समस्या हो, तो वो किसके पास जाएगा? क्या वो कवर्धा जाए डॉक्टर रमन सिंह के पास? क्या वो खरोड़ा जाए भाई गिरीश देवांगन के पास? किसके पास जाए वो? कम से कम जनप्रतिनिधियों के लिए ये आवश्यक है कि वो अवेलेबल रहे, उनके जो मतदाता है उनसे आसानी से मिल सके, ये होना चाहिए। और यदि मैं विरोध नहीं करता हूँ तो मेरा मन नहीं मानता है उस बात के लिए, क्यों कि ये राजनांदगांव की परंपरा बनती जा रही है। आदरणीय करुणा शुक्ला जी को पहले दिया गया, कोई बात नहीं, वो एक नामी शख्सियत थी। गिरीश देवांगन नहीं है? उनकी तुलना में नहीं है, लेकिन ये इस तरह से परंपरा बन जाएगी तो नांदगांव के नेताओं का क्या होगा? आपने जैसे फार्म खरीदा है, फार्म सबमिट करेंगे, यदि आम आदमी पार्टी भी आप पे भरोसा ना करे तो फिर आप किसके भरोसा करेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, भरोसा नहीं करने वाली बात ही नहीं है, किसने भरोसा नहीं किया मेरे ऊपर? आप बोल गए आम आदमी भी भरोसा ना करे, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भरोसा कर चुकी है, मैं चाहूँ तो नहीं लड़ूंगा, आम आदमी पार्टी के तरफ से 100% ओके है ना। और इसके पहले भी कोई कांग्रेस ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। उसने किसी को लायक नहीं समझा राजनांदगांव के किसी भी व्यक्ति को कि उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। चलिए, तो आप पूर्व महापौर नरेश ठाकरे जी, दिल है कि मानता नहीं है, क्योंकि दिल में है मन में नहीं है, तो ये अलग अलग चीज है। भरोसे पे आज कायम है, आम आदमी पार्टी पे इन्होंने भरोसा किया और ये इनका कहना है कि 100% आम आदमी इन पे भरोसा कर रही है। अब इन्होंने तैयारी कर ली की है, अब ये समर में आ गए हैं, हथियार इनका जो विभाग के रूप में आना बचा है उसके बाद ये समर में चले जाएंगे और अपनी लड़ाई अपने समर्थकों के साथ ये चालू कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये लड़ाई क्या कांग्रेस भाजपा के अलावा त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, सियासी पारा गर्म हो चुका है, अब राजनांदगांव में
दो नहीं तीसरा भी दमदार प्रत्याशी उतरने की तैयारी में है, उनसे हमने बात कर ली है। लेकिन अब ऐसा लगता है फटाकों की जो आहट हमें सुनी आप इस दौड़ का में आए हैं, हमें समर्थक किसके हैं और किसके लिए वोट जिताना चाहते हैं इनसे पूछ लेते हैं। जी बताएं, क्या नाम है, क्या चाहते हैं आप? जी नमस्कार, मेरा नाम रुपेश कुमार पांड्या है, लालबाग में रहता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि जिस नेता को हम लोग पसंद करते हैं व्यक्ति नरेश डाकलिया, श्री नरेश डाकलिया। देखिए भैया, मैं पहले बोला था नरेश डाकलिया, आप सुनिए पूरी बात सुनिए। जी तो जिस नेता को हम लोग व्यक्तिगत पसंद करते हैं उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, माप आवर से हम लोग देख चुके हैं और हम सबकी पसंद थी वो। और हम हमेशा यही सोचे कि उनको कांग्रेस से टिकट मिलेगा और हमकी सबकी इच्छा ये थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी से या जिस जैसे वो लड़ रहे हैं और हम लोग सब अपने स्वेच्छा से आए, कोई हमको बुलाया नहीं है, है ना। हम चाहते हैं कि राजनांदगांव का लोकल हमारे बीच का कोई रहे जिससे हम लोग किसी भी समय किसी भी पल कहीं भी जाकर मिल सके। यहाँ जितने विधायक हैं जो भी हमसे हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, बहुत सारा प्रोटोकॉल है भैया। रमन सिंह जी है, गिरीश देवागन जी है, मुलाकात नहीं हो पाएगी। सौ बात की बात, हम नहीं, हम मिल ही नहीं सकते। रमन सिंह जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई बोलना चाहेगा? नहीं, बस मैं हमारा ये कहना। और कोई बोलना? हाँ बताइए। समर्थक में आए हैं, यहाँ तालियां बजा रहे हैं जी, वहाँ के दिल के धड़कन है और वो हर चीज को समझते हैं। दिल की धड़कन है लेकिन जुबान पे आनी चाहिए। चलो आइए बताइए भैया, बताइए। देखिए व्यक्ति विशेष की बात होती है और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की तारीख में राजनांदगांव सुनील खंडेलवाल। अच्छा भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ लेकिन एक व्यक्तित्व की बात होती है और आज हम उनके साथ में इसीलिए हैं कि निस्वार्थ भावना से उनका महापौर का कार्यकाल देख लीजिए, बहुत जबरदस्त। आज तक कोई भी किसी भी पार्टी का रहा हो लेकिन एक भी ठेकेदार कभी नहीं बोल सकता। तो पूरा समर्थन निस्वार्थ रूप से श्री नरेश डाकले जी के साथ रहे। तो मतलब ये आप एक से एक कह सकते हैं कि राजनांदगांव का लोकल प्रचार सवाल ही नहीं है। हम तो चाहते ही है ना, क्यों बाहर वाले को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्यों क्या हो? एक बात बताइए, हमेशा राजनांदगांव के साथ ये मतलब इन लोग सियासत क्यों करते हैं, क्यों राजनीति की जा रही है? क्या हमारे यहाँ नेता नहीं थे, कोई भी हो? सवाल ये आता है। चलिए, तो बाहरी और अंदर के प्रत्याशी की बात हो रही है, स्थानीय लोगों की बात हो रही है, अब बात आ जाती है राजनांदगांव का लोकल व्यक्ति हो जो इनसे बात कर सके और इनकी बात सुन सके। जी बताए बताइए। चलेगी आपका नाम? मोहम्मद रियाज झाड़ूतिया। मोहम्मद रियाज झाड़ूतिया। चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, नारेगा फूल नारेगा पन्ना नारेगा फूल। चलिए और नरेश का मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर हमारा विधायक लोकल रहेगा हम लोकल जाके मिल सकते हैं। और डॉक्टर रमन 115 किलोमीटर से आते हैं और गिरीश देवांगन खरोरा 177 किलोमीटर से आते हैं। हम अपनी अपनी मांग हमारी परेशानी किसको सुनाने दें, वहाँ जाएंगे। कितना किलोमीटर बताएं? 177 खरोरा और 115 कवर्धा रायपुर ले जाते हैं। 117 और 115 का जो ड्यूरेशन है, जो लंबाई है, यहाँ के लोग कम करना चाहते हैं, मतलब स्थानीय हो रहे, लेकिन मांग उठ रही है। ये मांग कितनी दूर तक जाएगी और कितने लोग इस पे जुड़ पाएंगे? अगर कुछ बोलना चाहे कोई साथी लोग हैं तो सामने आ जाए ताकि वो बोल पाए, अपनी बात रख पाए। आप कुछ कहेंगे? अरे आप कुछ बोलेगा भैया? और कोई है? चलिए, अरे तो बता दो भैया। रमेश डकलिया। अरे रमेश डकलिया चुनाव नहीं लड़ रहे भाई, रमेश है। चलो डकलिया। और कोई बोलना चाहेगा? चलिए बोलो। लोकल चेहरा सामने लाओ। चलिए क्या नाम है बताइए आप? समीर जी बताओ जी। परिवर्तन जरूरी है, लोकल चेहरा लाओ। नाम तो बता दीजिए, किसको लाना है? नरेश डाकरिया जी। अच्छा, तो आप काम उनके लिए भिड़ेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि एक नया चेहरा त्रिकोणी अगर मुकाबला होता है तो मेहनत बहुत लगती है। जी जी, किसी को ना चलिए। तो लोकल प्रत्याशी की डिमांड जब राजनांदगांव में उठ रही है, 177 और 115 का जो पेज पड़ा है, 117 है ना, चलिए तो ये एक पेज अब आ गया है और अब ये मांग नरेश डाकलिया जी के लिए उठ रही है। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं और स्थानीय नेता भी, तो बने रहेंगे, चुनाव की सारी खबरें हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे।